हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरक की नई वीडियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, बट बात करेंगे हम गैजेट्स के बारे में ही। आज हम लोग बात करेंगे अली एक्सप्रेस के बारे में। अली एक्सप्रेस से जो भी मैं गैजेट्स वगैरह ऑर्डर करता हूँ कि क्या वो एक सेफ वेबसाइट है, क्या उससे हमें रिफंड मिल जाएगा अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ उसमें कुछ डैमेज हो, और कितने दिनों में मतलब अली एक्सप्रेस से जो भी हम ऑर्डर करेंगे वो वाले प्रोडक्ट्स कितने दिनों में डिलीवर हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। प्लस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा अली एक्सप्रेस पर का कि मुझे ये एज़ कम्पेयर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से ही ऑर्डर करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अली एक्सप्रेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। जो प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजोन या फ्लिपकार्ट देखने को शायद ना मिले वो आप लोगों को अली एक्सप्रेस पे 99% देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ही वेबसाइट है और वो पूरी कंट्री से आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, aliexpress.com। और अमेजोन का ड्रॉबैक क्या है, अगर आप इंडिया से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको amazon.in पे ही लॉगिन करना पड़ेगा, .com से आप ऑर्डर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेमेंट भी डॉलर्स में होगा और उसमें आपको लोगों को जो एड्रेस है वो भी कहीं और का डालना पड़ेगा। तो मतलब इंडिया के लिए आप लोगों को .in वाले यूज़ करना है और .com वर्ल्ड के बाकी अदर कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस को अगर मैं अमेजोन से कंपेयर करूँ तो जो मेरे को प्रोडक्ट अमेजोन पर नहीं मिलता वो मुझे अली एक्सप्रेस में मिल जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर वो प्रोडक्ट मुझे अमेजोन पे 600 रुपये का मिल रहा है तो वही मुझे अली एक्सप्रेस से 400 या 450 रुपये का मिलता है, जो मुझे रियली में कमाल की चीज़ लगती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि अमेजोन पे आप लोगों को शिपिंग चार्जेस कभी कभार नहीं पे करने पड़ते, या पे भी करने पड़े तो 50 से 60 रुपये पे करने पड़ते हैं और वो 2 या 3 दिन में डिलीवर हो जाता है। अली एक्सप्रेस में आप लोगों को वही सामान 500-550 रुपये का पड़ेगा, बट जो डिलीवरी होती है वो 20 से 25 दिन कभी कार या 15 से 20 दिन लगा देती है, तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो अगर आप लोगों को बजट में कुछ खरीदना है और आप लोगों को जल्दी नहीं है डिलीवर होने की, मतलब 15-20 दिन में भी डिलीवर हो जाए चलेगा, तो आप लोग अली एक्सप्रेस को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रोडक्ट जल्दी चाहिए और आप लोगों को पैसों की टेंशन नहीं है तो आप लोग अमेजोन प्रेफर कर सकते हैं अगर आप इंडिया से ऑर्डर कर रहे हैं। अगर इंडिया के बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं तो वो एकदम अलग ही बात हो गई। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था, अगर आप मेरी तरह के यूट्यूबर है, गैजेट्स वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें ऑर्डर करते हैं या आपको प्रोडक्ट्स जल्दी डिलीवर होने की टेंशन नहीं है, बजट में कुछ चाहिए, तो अली एक्सप्रेस ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं कि यार रिफंड मिल जाता है, ये सेफ़ है और ये कितने दिनों में डिलीवर एग्जैक्टली करते हैं। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके फ्रंट पेज पे ही ना आप लोगों को इसमें बहुत ही कमाल कमाल का डिस्काउंट है और कूपन्स वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं इसके अंदर, तो वो आप लोगों को ज़रूर उसको चेकआउट करना चाहिए। अली एक्सप्रेस की सेल भी टाइम टू टाइम बहुत ही कमाल कमाल की आती रहती है। तो ये इसकी मोबाइल एप्लीकेशन, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा मेरा इसका ऑफिशियल अकाउंट। अली एक्सप्रेस की सबसे कमाल बात यह है कि यार फेसबुक गूगल वगैरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इससे ही पता चलता है कि ये कितनी सेफ वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं। अभी मैंने ये वाला जो आप माउस देख रहे हैं कि माउस रिसीव हो चुका है यहाँ पे। तो इस माउस की कमाल बात ये थी, मुझे इसमें डिस्काउंट कूपन मिला और यहाँ पे आप लोग इसका प्राइस देख रहे होंगे 191। तो 191 में मेरे को सेविंग्स मिली इसकी, 108 रुपये मैंने कूपन यूज़ किया था और 83 रुपीज़ का मुझे पड़ा और इसमें मुझे कोई शिपिंग चार्जेस नहीं देने में। प्लस ये वाला मैंने एक पावर हब ऑर्डर किया था, यूएसबी हब, ये भी सेम मुझे 199 का ही था, मुझे 85 का पड़ा। तो दोनों को मिला के मुझे 200-250 रुपये का डिस्काउंट मिला, जो रियल में कमाल की चीज़ है। और भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, आप लोगों को ये वाले ईयरफोन्स भी बताऊँगे, मैंने अभी अपने चैनल पर जस्ट ये रिव्यू करे हैं। ये वाले मुझे 757 के थे और 250 रुपये मुझे इसमें डिलीवरी चार्जेस देना पड़ा, तो अराउंड 1000 रुपीज़ के ये वाले पड़े। तो एग्जैक्टली इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्लस आप लोग जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मैं सारे के सारे अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ। ये रही हमारे टिक वॉच जो हम लोगों ने ऑर्डर करी थी, तो यहाँ पर मुझे इसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़े। इवन मैं अभी भी इसका डिस्प्यूट ऑर्डर करना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जब मैं डिस्प्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 15 डेज। तो जो भी प्रोडक्ट आपने AliExpress से ऑर्डर किया है आपके पास डिलीवर होने के 15 दिन के अंदर अंदर ना आप उसमें डिस्प्यूट ओपन कर सकते हो। डिस्प्यूट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे मैं इस माउस का डिस्प्यूट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओपन डिस्प्यूट पे जैसे हम लोग गए तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, कि रिफंड चाहते हैं या वो प्रोडक्ट को रिटर्न करके रिफंड चाहते हैं। तो आप लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, समझो मुझे माउस चाहिए बट मुझे इसका रिफंड चाहिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, तो आप रिफंड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे डालना है कि आपको प्रोडक्ट सही में रिसीव हुआ है, अगर आपको रिसीव हुआ है तो ठीक, नहीं है तो नो। डिस्प्यूट रीजन डाल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डैमेज है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं चल रहा, प्राइस आप कितना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप उसका प्रॉपर रिफंड ही चाहते होंगे, तो मैं 191 पूरा डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक रीज़न लिखना है कि इस प्रोडक्ट में एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है और आप लोगों को रिफंड क्यों चाहिए। लास्ट चीज़ आप लोगों को एक एविडेंस डालना है, मतलब आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो क्लिक कर सकते, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर एक प्रूफ होगा आपके पास कि मुझे इसका रिफंड चाहिए क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में लिटरली में कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद आप लोगों को सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है। अली एक्सप्रेस रिफंड के मामले में गाइस रियली में काफ़ी अच्छा है।
अब बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है एक, टैग अनबॉक्सिंग, उसकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने एक रिफंड लिया था अपने एक ड्रोन का और उसमें उनको परफेक्टली मतलब उसका रिफंड मिल गया और प्रोडक्ट भी उनके पास था। तो ये रियल में कमाल की चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि यार आप लोग ये खेल खेलने लग जाओ। और अब हम बात करते हैं कि यार इसमें जो ऑर्डर करने का तरीका है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, इसमें आप लोगों को रिफंड भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यार यहाँ पे जब हम ऑर्डर करेंगे तो ये कितने दिनों में डिलीवर होगा, तो इसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट अभी भी 193 रुपीज़ का दिखा रहा है। तो आप लोग जैसे ही इसको बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट कूपन भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों से पूछेगा कौन सा कलर चाहिए। तो आप लोगों को सिंपल कलर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर पर क्लिक करने से पहले आई थिंक मैं आप लोगों को शिपिंग मेथड बताया था इसका। सो गाइस, ये हैं इसके सारे शिपिंग मेथड। सो अगर आप लोगों को फ्री शिपिंग चाहिए जो है हमारी कैनिनो सुपर इकोनॉमिक ग्लोबल की तरफ से, तो वो 30 से 50 दिन में आप लोगों को डिलीवर करेगी। इंडिया में चाहिए आप लोगों को चाइना पोस्ट के थ्रू, तो वो भी आप लोगों को 32 से 55 दिन। बहुत सारे इसमें डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो महंगे वाले हैं वो है EMS, DHL, FedEx, AliExpress, स्टैंडर्ड शॉपिंग। AliExpress स्टैंडर्ड भी आई थिंक यहाँ पे सही आ रही है। तो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए, मतलब एज़ कम्पेयर टू Amazon जो 2-3 दिन में डिलीवर कर देता है, इतना जल्दी आप लोगों को चाहिए विद इन 1 वीक, तो आप लोग DHL, FedEx जैसी जो शिपिंग मेथड है ये वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट आपका 200 रुपये का है तो उसके लिए आपको शायद 1000, 1200, 1500 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं, बट वो आप लोगों को गारंटी डिलीवरी देंगे 2 से 4 दिन में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को कस्टम ड्यूटी ज़रूर पे करनी पड़ेगी। तो जब भी इन शिपिंग मेथड के थ्रू कुछ भी रिसीव होता है तो आप लोगों को इन सब में शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये शिपिंग चार्जेस का और कस्टम ड्यूटी का बड़ा भसड़ है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और प्रोडक्ट को 20 से 25 दिन में डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो आप लोग नॉर्मल AliExpress का स्टैंडर्ड शिपिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग मैक्सिमम 50-100 रुपये या कभी कभी फ्री शिपिंग भी होती है, तो वो पे करके आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि AliExpress एक रियली में जेन्युइन वेबसाइट है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर मैं इसको Amazon, Flipkart किसी भी वेबसाइट से कंपेयर करूँ, बहुत ही जेन्युइन है। पेमेंट मेथड बहुत सिक्योर है, नॉर्मल आप इसमें मास्टर कार्ड वगैरह ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अब पेमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्री शिपिंग का ऑर्डर सिलेक्ट किया, तो अब आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। अब बाय नाउ पे जाओगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, जैसे आप लोगों को एक ही चाहिए, कंटिन्यू पे गए, यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो आप लोग यहाँ पे अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी चल जाएगा, बट वो वीज़ा या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए। वेब मनी, वायर ट्रांसफ़र, अदर पेमेंट मेथड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप अदर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको सेव नहीं करना चाहते, बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपके पास। नोटिफिकेशंस वगैरह प्रॉपर जीमेल पे, आप जो भी अपने अपना अकाउंट कनेक्ट कर रखा है उस पर आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलेगी। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं उसका रिव्यू एग्जैक्टली में है क्या, मतलब वो प्रोडक्ट कितने लोगों ने ऑर्डर किया है और उसके क्या उन्होंने फीडबैक दिए हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कोई भी आप लोग रैंडम प्रोडक्ट खोल लीजिए और उसमें आप लोग जैसे नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ मिलेंगे बहुत सारे। तो जो भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खरीदा हो आप लोग उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं, ये वाली कुछ लाइट सी है, तो ये 369 टाइम्स सोल्ड हुआ है। तो जैसे आप लोग नीचे जाएंगे तो 32 लोगों ने ख़रीदा है। तो इसमें आप लोगों को सिंपल रिव्यूज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक है, मतलब जैसे किसी ने रशिया से ऑर्डर किया, इंडिया से ऑर्डर किया होगा, तो आप उनके कंप्लीट रिव्यूज़ देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे उन्होंने पिक्चर भी क्लिक करके डाली होगी। लोग देख रहे होंगे इन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस डाला, इट इज़ नॉट लाइक। तो आप लोग यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर सकते हैं। जैसे ये गिम्बल है, तो इसमें हम लोग जाएंगे तो नीचे रिव्यूज़, 515 लोगों ने इसको रिव्यू किया है। तो आप लोग इसकी इमेजेस वाइज, मतलब इंडिया से भी 2 लोगों ने ख़रीदा है, तो उन्होंने कहा है कि ये हेल्पफुल था, रेटिंग भी दी उन्होंने। और यहाँ पे आप लोग इमेजेस वाइज मतलब ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, बॉक्स की क्वालिटी कैसी होगी, एक एक का रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे रियली में इसका कमाल का फीचर लगता है। इसमें एक और कमाल की बात है, आप लोग सेलर से, मतलब जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके सेलर से आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीदने से पहले भी, प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी। मैं कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं 3-4 हज़ार का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे मैंने टिक वॉच ऑर्डर करी थी जो मेरी अराउंड 12-13 हज़ार की थी, तो मैंने पहले सेलर से बात करी, सेलर से बात करा, मुझे लगा कि यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तभी मैंने उस वेब मतलब उस सेलर के थ्रू ही ऑर्डर करा AliExpress से। और मेरे पास प्रोडक्ट अराउंड 15 से 20 दिन में डिलीवर हुआ था और काफ़ी सही पैकेजिंग थी। AliExpress की एक और अच्छी चीज़ है कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, चाहे आप फ्री शिपिंग ही क्यों ना सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता बेसिकली। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को Amazon वगैरह प्रेफर करूँ, Amazon भी अच्छी है, AliExpress भी अच्छी है, बट AliExpress से मुझे बजट में सामान मिलता है,
मुझे दिनों की दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ वो मैं ऑलरेडी प्री प्लान करके चलता हूँ, तो 10-15 दिन में, 20 दिन में भी मेरा कोई गैजेट ऑर्डर मतलब डिलीवर होता है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं, तो अब शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अली एक्सप्रेस आप लोगों के लिए सही में अच्छी है या नहीं। मेरे हिसाब से तो अच्छी है, मैं अभी भी ऑर्डर करता ही जा रहा हूँ। आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ही कमाल कमाल के मतलब गैजेट्स वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं, मैंने बहुत ही अजीब अजीब से गैजेट्स ऑर्डर करे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही कमाल की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आप लोगों को ये वाली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आप लोगों के सवाल थे, और अगर कुछ ऐसा है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ऐसी बनाने की कोशिश करूंगा। प्लस मुझे ये भी बताना कि यार ये वाली वीडियो आप लोगों को रियली में अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे अगले मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।